अनीता जैन स्वादिष्ट खाना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम स्वादिष्ट खाने में बनाने जा रहे हैं इन पुदीने की पत्तियों से, इनको ड्राई करके दही का मसाला। चलिए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले ये एक गड्डी पुदीने की ली, इसको धो के सुखा के मैं तो साफ कर लिया है। एक एक पत्ती ऐसे चूटनी होती है। इसकी पत्तियां निकालना बहुत इजी है। ये देखिए, मैंने एक गड्डी का इतना सारा ये इसमें से पत्ते निकाल लिए हैं। ये एक गड्डी के पत्ते हैं। अब हम इसको इस तरीके से इसमें सुखा देंगे। नीचे एक कटोरी रख देना जिससे कि इसमें नीचे से भी हवा जाए और ऊपर से भी, और निकलते बढ़ते हर आधे घंटे एक घंटे में बस इसको हल्का सा बस ऐसे कर देना है जिससे कि सारे फिर ये ग्रीन ही बनते हैं। और इसको छाए में कहीं भी अपने रूम में या किचन में एक साइड पे या पंखे के नीचे कहीं भी रख देना। ये शाम तक इस गर्मी के मौसम में सूख कर इस तरीके से बन जाएंगे, जो 8 घंटे बाद मेरे इस तरीके से ये ड्राई हो गए हैं। ये देखिए देखिए, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये कितने ड्राई हो गए हैं ये देखिए। चलिए अब हम इसका पाउडर बनाते हैं। मैं इसको इसका पाउडर फॉर्म में हम बना लेते हैं। इसको 10-20 सेकंड में ही ये पीस के एकदम से पाउडर फॉर्म में आ गया। और इसे किसी भी सूखे कंटेनर में आप भर के रख लीजिए। जब भी आप दही छाछ बनाएं उसके अंदर आप बस इतना सा ही एक गिलास में लीजिए, 1/4 ही, और उसे काले नमक के साथ मिलाइए पीजिए। आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रखता है, प्लस ये आपको इस गर्मी के मौसम में ठंडक प्रदान करता है। तो इसलिए आप सभी इसे बनाइए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा।